अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू परवीन किचन। हमारे इधर पालक का सीज़न चालू है, तो पालक के इससे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो इसी तरह मैं आज एक और चीज़ बनाने वाली हूँ, जो है कि पालक भाजी के वड़े। वो किस तरह बनाते हैं चलो देखते हैं हम इसके इंग्रेडिएंट्स। फर्स्ट मैंने पालक को अच्छे तरह से साफ़ करके धो के रेडी रखा है। 1 कप चना दाल भिगो कर रखा था मैंने। 1 टीस्पून सॉल्ट, 1.5 टीस्पून माय गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, फ्रेश कोरिएंडर, 3 ग्रीन चिलीज। ये दाल को हम दरदरा पीसेंगे। तो हम फर्स्ट मिक्सर में डालते हैं। फर्स्ट ग्रीन चिलीज डालूँगी, उसके बाद ये दाल जो है हम वो डालेंगे और उसको दरदरा पीसेंगे। ओके, दाल को मैंने डाली हूँ। दाल को सूखा ही पीसने का है, ज़्यादा पानी नहीं यूज़ करेंगे हम। तो बस थोड़ा ही पानी डाल के मैं उसको पीस लेती हूँ। देखिए कुछ इसी तरह मैंने उसको पीसा है। देखिए इस तरह हमने पीसा है दाल को अच्छे से। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे, सॉल्ट, लाल मिर्च, माय गरम मसाला, जीरा पाउडर और यह है अदरक लहसुन का पेस्ट। और फ्रेश कोरिएंडर। इन सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह हमने अच्छे से मिक्स किया है कि हम किस तरह उसके वड़े बनाते हैं। तो इस तरह हम फर्स्ट पालक लेंगे, उसको हम इस तरह हाथ से लगाएंगे। हम दूसरा रखेंगे इसे छोटे छोटे, उसी तरह हम लगाते जाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इस तरह लगाएंगे, फिर हम इसको रोल करेंगे। इस तरह एंड में हम टूथपिक लगाएंगे। देखिए इस तरह हो गया और पालक का वड़ा तैयार। इसी तरह मैं सारे तैयार करूँगी। फर्स्ट इसी तरह हम एक पत्ता रखेंगे, उसके बाद ये हमारा मसाला जो है वो लगाएंगे, फिर हम दूसरा पत्ता लेंगे वो इस तरह लगाते हम जाएंगे। इसी तरह हम पत्ते लगाते जाएंगे, जितना मोटा चाहिए हम उतने पत्ते को डाल सकते हैं। अरे जो है इसी तरह किया है, आप भी इसी तरह फॉलो कीजिए। देखिए इस तरह मैंने साड़ी लगाया है, बस मुझे मोटा जितना चाहे उतने मैंने लगाए हैं। अब मैं इसको इस तरह फोल्ड करूँगी हल्के हाथ से,
हमारा मटेरियल जो है बाहर ना आना चाहिए, इसके लिए हल्के हाथ से हम फोल्ड करेंगे। इस तरह हमने फोल्ड करके रोल किया है उसका, और ये टूथपिक हम एंड में लगाएंगे जो कि वो खुले ना। देखिए इस तरह सारे मैंने बनाई हूँ। अब मैं इसको स्टीम दूंगी। देखिए पानी बॉईल हो रहा है, इसी तरह हम उसको ये रखेंगे। हमने स्टीम देने के लिए हमने इस तरह होल वाला ढक्कन लिया है, उसको हम इस तरह रखेंगे। हल्का हम ऑयल लगाएंगे, जो हमारे वड़े हैं वो चिपक ना जाए, इसके लिए हल्का ऑयल लगाएंगे हम। देखिए इस तरह हम रखेंगे और दूसरा पॉट जो है हम उसके ऊपर इस तरह डालेंगे और ढक देंगे उसको 20 मिनट के लिए। हम उनको स्टीम करेंगे मीडियम फ्लेम पे। देखिए 20 मिनट हो गए, अब हम चेक करेंगे। देखिए इसी तरह अच्छे से होना चाहिए, बहुत ही अच्छे हो गए हैं। अब हम इसको ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद हम फ्राई करेंगे। मैंने पैन रखी हूँ, अब हम उसको फ्राई करते हैं। हम हल्का ऑयल डालेंगे, देखिए इस तरह हम ऑयल डालेंगे। हम स्टिक जो है उसके निकालेंगे, ठीक है, स्टिक्स जो है हम आसानी से उसके निकाल सकते हैं। देखिए अब हम फ्राई करेंगे। इसे हम क्रिस्पी करेंगे। फ्लेम जो है हम मीडियम रखेंगे। इसे हम क्रिस्पी और अच्छा कलर हम उनको देंगे, ब्राउन कलर, अच्छा ब्राउन कलर होने तक हम उनको फ्राई करेंगे। इसी तरह अच्छे फ्राई हो गए हैं नीचे से, हम उनको टर्न करेंगे। देखिए इस तरह फ्राई होना चाहिए। देखिए हमने टर्न किया है कुछ इस तरह, अच्छे ब्राउन हो चुके हैं। दूसरी तरफ भी इसी तरह हम ब्राउन करेंगे। फ्लेम जो है हमारा मीडियम है, मीडियम फ्लेम पे हम उनको अच्छा फ्राई करेंगे। देखिए दूसरी तरफ से भी अच्छे से हो गए हैं, तो मैं अब इसको निकालूंगी और सर्व करूंगी। लीजिए कुछ इस तरह पालक वड़े तैयार हुए हैं, अब हम इसको सर्व करेंगे। लीजिए हो गया तैयार पालक वड़ा, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़े का है, ज़रूर बनाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे इजी टेस्टी रेसिपी के साथ में। अस्सलामुअलैकुम।